और एक बहुत बड़ा मेरे पास अभी जो प्राप्त जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी, नारायणपुर थाना क्षेत्र का मामला है, वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। डीआरजी के जवान रवाना किए गए थे, सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं, 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी। क्या कारण लगातार इस तरीके से अब नक्सली जो हमला कर रहे हैं? नहीं, लगातार हमले नहीं हुए हैं, लगातार हमला कहना उचित नहीं है। नक्सली हमले को हम लोग हमेशा नाकाम करते गए हैं और उनको खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। 60% नक्सली मूवमेंट कम करने में इन 4 वर्षों में काम हुए हैं। बीच बीच में एक आध दो घटना होता है जो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए दिख जाता है। लगातार गृह मंत्री जो अमित शाह है वो नज़र बना बैठे हैं, किस तरीके से जानकारी आपके पास आई है? अभी अलग से कोई जानकारी नहीं है, जो जानकारी होगी भी तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उसको ऐसे अवसर पर सार्वजनिक नहीं किया जाता। तो ये छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को आप सुन रहे थे, जो इसको लेकर जानकारी दे रहे थे और कह रहे थे कि अभी जानकारी वहां से जुटाई जा रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।